हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनी ट्रैप मामलों के चलते जैसलमेर सहित सरहद पर पाकिस्तानी सिम बैन हो चुकी है। जैसलमेर जोधपुर में सेना के जवानों के हनी ट्रैप में फंसने के मामले के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए भारत पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर अब 6 महीने तक रोक को बढ़ा दिया है। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान की सीमा पर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि भारत की सीमा में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क सीमा एरिया में हमेशा पकड़ा जाता है। इस दौरान घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जिला कलेक्टर जैसलमेर ने हर बार 2 महीने के लिए आदेश निकालकर पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। लेकिन हाल ही में सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर सैन्य और खुफिया जानकारी लीक होने के गंभीर मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश सख्त निकाले हैं। भारतीय सरहद खासकर की जैसलमेर में पाकिस्तान मोबाइल कंपनियों के सिम के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। गृह विभाग की संयुक्त सचिव सीमा कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर में लगने वाली सीमा पर घुसपैठ पर राष्ट्र विरोधी तत्व देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए सीमा के इस पार कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं करेगा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा के पास के एरिया में भारत की सरहद में कई पाकिस्तानी मोबाइल का नेटवर्क देखा गया है। इस तरह से यदि कोई पाकिस्तान की सिम का उपयोग इस इलाके से करता है तो वो लोकल सिम की तरह भारत की सरहद में काम करने लगेगी, जिसको ट्रेस करना भारत के लिए मुश्किल होगा। इस तरह से पाकिस्तान की लोकल सिम के माध्यम से घुसपैठ और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बड़े ही आराम से अंजाम दिया जा सकता है। इन गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर जिला कलेक्टर जैसलमेर समय समय पर पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश निकालते हैं। इस बार राज्य सरकार ने 2 महीने की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि इस दौरान कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं कर सके। जागरूक टीवी के लिए जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।